टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म दैट दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ लिक्विड यूज फॉर इंटरनल पर्पज ऑफ मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म दैट इज फर्स्ट इज मिक्सचर देन द सेकंड इज सिरप देन द थर्ड इज इलिक्सर एंड द फोर्थ इज लिंक्टसेस. ओके, इन द प्रीवियस लेक्चर वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म. मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म ऑल्सो वी कैन कॉल्ड एज अ ट्रू होमोजीनियस क्लियर होमोजीनियस मिक्सचर. ओके, कॉल्ड एज अ ट्रू सोल्यूशन और मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म. इन दैट वी हैव टू डिस्कस द एडवांटेजेस डेफिनेशन डिसएडवांटेजेस देन द मोस्ट IMP दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म. इन दैट क्लासिफिकेशन देर आर टू एग्जाम्पल ऑफ दिस मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म. द फर्स्ट इज फर्स्ट इज यूज्ड फॉर इंटरनल पर्पज एंड सेकंड इज एक्सटर्नल. इन दैट इंटरनल देर आर फोर एग्जाम्पल दैट इज अ मिक्सचर सिरप लिंक्टसेस एंड इलिक्सर. ओके, इन द प्रीवियस लेक्चर वी विल डिस्कस द मिक्सचर विच इज अ वेरी IMP अबाउट योर एग्जाम. ओके, दैट द डेफिनेशन आफ्टर द सब क्लासिफिकेशन आफ्टर दैट द देर इज द सम ऑफ द एग्जाम्पल एग्जाम्पल आफ्टर दैट सब क्लासिफिकेशन और द नेक्स्ट इज वी कैन सेट दैट द फॉर्मुलेशन एंड प्रोसीजर ऑफ मिक्सचर. ओके, इन द प्रीवियस लेक्चर ऑल ऑफ दिस यू हैव टू लर्न. ओके, इन द टुडेज लेक्चर वी हैव टू डिस्कस द सिरप. ओके, दिस इज द सेकंड एग्जाम्पल. दिस इज द लिक्विड यूज फॉर इंटरनल पर्पज. ओके, दैट नाउ वी गो टू स्टडी द डेफिनेशन ऑफ सिरप एडवांटेजेस ऑफ एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिरप क्लासिफिकेशन ऑफ सिरप मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सिरप एंड देन द फॉर्मुलेशन ऑफ सिरप. ओके, after that the IMP question related to syrup, that is first is what are a syrup, give different method of preparation of syrup which is asking for 4 marks. After that the definition of syrup for 2 marks. Then the write the formulation of syrup for 4 marks. Write the advantages and disadvantages of syrup for 2 marks. Write the classification of syrup for 2 marks. Okay, this is the IMP question according to your exam, board exam. Okay, after that next is the definition. Definition included that दिस सिरप इज स्वीट है, विस्कस है एंड कॉन्सेंट्रेटेड और नियरली सैचुरेटेड. ओके, एक्वियस सोल्यूशन ऑफ सुक्रस एंड देन द नेक्स्ट इज कंटेनिंग 66.7% वेट बाय वेट ऑफ शुगर. ओके, दिस इज डेफिनेशन विच इज इंक्लूडेड इन द पॉइंट्स. आफ्टर दैट द सिरप मेन डेफिनेशन दैट इज सिरप इज स्वीट, विस्कस, कॉन्सेंट्रेटेड और नियरली सैचुरेटेड एक्वियस सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज कंटेनिंग 66.7% वेट बाय वेट ऑफ शुगर. ओके, आफ्टर दैट द डेफिनेशन इज वी हैव टू राइट द डेफिनेशन इन दिस फॉर्म. ओके, सिरप इज स्वीट, विस्कस, कॉन्सेंट्रेटेड और नियरली सैचुरेटेड एक्वियस solution of sucrose containing 66.7% weight by weight of sugar. USP contains 64.74 weight by volume of sugar having specific gravity 1.31 gram. okay, or a specific gravity is 1.31. okay, हमने ऐसा बोलना है कि जो सिरप होता है वो स्वीट होता है, विस्कस होता है और क्या बोले कि कॉन्सेंट्रेटेड और नियरली सैचुरेटेड. अब सैचुरेटेड मतलब क्या, हमने को एक शुगर कंटेंट और एक हमने सोल्यूशन लिया है, वेहकल लिया है वाटर का, उसमें हमने क्या किया है, शुगर ऐड किया है और उसको कब तब तक ऐड करते जाएंगे, एक कंडीशन ऐसे आ जाएगी कि जब हम शुगर उसमें ऐड करेंगे तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, मिक्स नहीं हो जाएगा और क्या हो जाएगा, जो उसके अंदर जो शुगर है वो वैसे ही सॉलिड पार्ट में हमें वहाँ पर दिखाई देगा. तो उसे क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसे बोलेंगे और नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसे हम बोलेंगे. तो फॉर एग्जांपल दिस सिरप इज कॉन्सेंट्रेटेड और नियरली सैचुरेटेड और वी कैन सेट दैट वी हैव टू यूज वाटर फॉर दैट पर्पज. वी कैन सेट दैट एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज कंटेनिंग 66.7% वेट बाय वेट ऑफ शुगर. तो सिरप के अंदर हमने क्या करना है कि वाटर लेकर उसके अंदर शुगर ऐड करते रहना है. तो शुगर का कंटेंट उसके अंदर, उस वाटर के अंदर कितना आएगा, 66.7% वेट बाय वेट का शुगर का कंटेंट उस वाटर के अंदर आएगा. तो इसलिए हमने क्या बोला है कि सिरप इज स्वीट है, विस्कस है, कॉन्सेंट्रेटेड और नियरली सैचुरेटेड एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज कंटेनिंग 66.7% वेट बाय वेट ऑफ शुगर. ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिरप. आफ्टर दैट यूजेस ऑफ सिरप व्हीकल
एज अ व्हीकल वी हैव टू यूज अ सिरप. देन द नेक्स्ट इज स्वीटनिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव एंड फ्लेवरिंग एजेंट. दिस इज द यूजेस ऑफ सिरप. मतलब सिरप हम एज अ व्हीकल बोल के भी यूज़ कर सकते हैं, स्वीटनिंग एजेंट बोल के भी ले सकते हैं, एज अ प्रिजर्वेटिव बोल के भी हम ऐड कर सकते हैं, और फ्लेवरिंग एजेंट बोल के भी हम एज अ सिरप को ले सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ सिरप इज एक्ट एज अ एंटी ऑक्सीडेंट बाय रिटार्डिंग द ऑक्सीडेशन एज अ शुगर इज अ हाइड्रोलाइज्ड इन द लिवुलोज एंड डेक्सट्रोज. तो इसमें क्या होता है कि जो एडवांटेजेस में एक्ट एज ए एंटी ऑक्सीडेंट, मतलब ये सिरप जो होता है क्योंकि इसके अंदर वाटर होता है, वाटर के अंदर हम शुगर ऐड करते हैं और वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, तो इट्स सेल्फ एक्ट एज ए एंटी ऑक्सीडेंट. मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं होता क्योंकि यहाँ पर वो जो वाटर होता है वो सैचुरेटेड कंडीशन में होता है, तो फॉर दैट पर्पज इसके अंदर ऑक्सीडेशन एक्ट एज इट्स सेल्फ एक्ट एज अ सिरप इज एंटी ऑक्सीडेंट और बाय रिटार्डिंग द ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन को रिटार्ड करता है एंड एज शुगर इज हाइड्रोलाइज्ड और वो जो शुगर होता है हाइड्रोलाइज होती है इनटू लिवुलोज एंड डेक्सट्रोज. इसके अंदर का जो शुगर जो होती है उसका हाइड्रोलाइज होके लिवुलोज और डेक्सट्रोज के अंदर कन्वर्जन होता है, तो सिरप इटसेल्फ एक्ट एज ए एंटी ऑक्सीडेंट और रिटार्ड्स ऑक्सीडेशन को रिटायर करता है तो और शुगर का हाइड्रोलाइज होके जो शुगर होती है इट हाइड्रोलाइज्ड इनटू उसका कन्वर्ट होता है लिवुलोज और डेक्सट्रोज के अंदर. ओके, तो यहाँ पर एंटी ऑक्सीडेंट बोल के सिरप का एक एक्ट होता है. ओके, देन नेक्स्ट इज एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव बोल के भी हम सिरप का यूज़ करते हैं, तो क्या होता है एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव बाय रिटार्डिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया फंगा एंड मॉल्ड एंड एज अ ऑस्मोटिक प्रेशर इज 16 टाइम ग्रेटर देन द आइसोटोनिक सॉल्यूशन. तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो प्रिजर्वेटिव होता है ये खुद से इटसेल्फ एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव बोल के भी हम सिरप ले सकते हैं, क्योंकि जो सिरप होता है उसके डेफिनेशन में ही था कि स्वीट है, विस्कस है और कॉन्सेंट्रेटेड और नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन. तो इसके अंदर सैचुरेटेड मतलब क्या, जो हमने सिरप लिया था उसके अंदर शुगर ऐड करते हुए उसको सैचुरेटेड किया था, तो उसके अंदर जो एक्वियस कंटेंट होता है वो कम होता है, तो इट एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव बाय रिटार्डिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. तो इसके अंदर क्या होता है जो इटसेल्फ ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेंट भी बोल के हम यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा जो है बाय रिटार्डिंग द ग्रोथ ऑफ, इसके अंदर जो एक्वियस जो व्हीकल था वो कम होके वो जो सॉल्यूशन है सैचुरेटेड हो गया है, तो बाय रिटार्डिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इसके अंदर जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है वो रिटार्ड हो जाएगी. एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव बोल के भी यूज़ कर सकते हैं हम बाय रिटार्डिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया फंगाई एंड मॉल्ड, और उसके अंदर जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है वो नहीं होती इसके अंदर क्योंकि इट्स सेल्फ एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव. ओके, एंड देन द नेक्स्ट इज एज अ ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ 16 टाइम, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसके अंदर वो 16 टाइम ग्रेटर होता है देन आइसोटोनिक सोल्यूशन. आइसोटोनिक जो सोल्यूशन यानी सील का जो सोल्यूशन होता है उससे भी ऑस्मोटिक प्रेशर इस सिरप का ज़्यादा होता है. गुड पेशेंट कंप्लायंस स्पेशली पेडियाट्रिक पेशेंट एज अ सिरप एज अ स्वीट इन पेशेंट. ओके, तो यहाँ पर बताया है कि इट इज़ गुड एज अ कंप्लायंस बोल के स्पेशली इन पेडिया जो चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए क्या होता है कि सिरप एज अ स्वीट टेस्ट बोल के ईजिली हम दे सकते हैं. ओके, ये क्या थे एडवांटेजेस थे सिरप के. देन द नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस, फ्लक्चुएशन इन स्टोरेज टेम्परेचर में कॉज क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सुक्रोज फ्रॉम सैचुरेटेड सिरप. मतलब क्या होता है कि हम जब फ्लक्चुएशन इन स्टोरेज टेम्परेचर में कॉज क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सुक्रोज फ्रॉम सैचुरेटेड सिरप. अब यहाँ पर क्या होता है कि फ्लक्चुएशन हो जाएगा कि जो स्टोरेज हम करके रखते हैं तो उसके अंदर अगर फ्लक्चुएशन हो जाए, अगर टेम्परेचर बढ़ गया, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर हमने सिरप को रखा, तो क्या हो जाएगा कि जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाएगा और उसकी वजह से मे कॉज क्रिस्टलाइजेशन, उसके अंदर जो शुगर की शुगर जो थी उसके अंदर सैचुरेटेड फॉर्म के अंदर, तो वो क्या हो जाएगी कि क्रिस्टल फॉर्म में प्रिपेयर हो जाएगी, उसके क्रिस्टल प्रिपेयर हो जाएंगे, इसलिए उसका टेम्परेचर कूल रहना चाहिए और ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं रहना चाहिए. ओके, ये थे उसका डिसएडवांटेज ये था. देन द देख लेते हैं क्लासिफिकेशन. सिरप इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. फर्स्ट इज फ्लेवर्ड सिरप, सेकंड इज मेडिकेटेड सिरप एंड थर्ड इज आर्टिफिशियल सिरप. ओके, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सिरप. इट इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप. फर्स्ट इज फ्लेवर्ड सिरप, सेकंड इज मेडिकेटेड सिरप एंड थर्ड इज आर्टिफिशियल सिरप. आफ्टर दैट इन दैट क्लासिफिकेशन ऑफ सिरप फर्स्ट इज फ्लेवर्ड सिरप
फ्लेवर्ड सिरप कंटेंस एज द नेम इंडिकेट फ्लेवर इट कंटेंस फ्लेवर्ड सिरप कंटेंस फ्लेवरिंग एजेंट ऑब्वियसली. सेकेंड इज इट कंटेंस ऑरेंज सिरप बीपीसी लेमन सिरप बीपीसी एक्सेट्रा. ओके आफ्टर दैट नेक्स्ट इज मेडिकेटेड सिरप. मेडिकेटेड सिरप एज द नेम इंडिकेट इट कंटेंस मेडिकामेंट विच डिजॉल्व इन इट एंड एक्ट एज अ मेडिकेटेड सिरप. मीन्स वॉट जो फ्लेवर सिरप है फ्लेवर सिरप के अंदर फ्लेवर आ जाता है. ओके फ्लेवर सिरप में हमने देखा था फ्लेवर सिरप में एक्ट एज अ फ्लेवरिंग एजेंट. फ्लेवरिंग एजेंट इसके अंदर लेकर हम अलग अलग फ्लेवर से फ्लेवर सिरप बना सकते हैं. ओके मेडिकेट सिरप मेडिकेटेड सिरप के अंदर क्या होता है कि केमिकल्स डिफरेंट डिफरेंट मेडिकामेंट्स यूज़ करके हम क्या मेडिकेटेड सिरप बना सकते हैं. मेडिकेटेड सिरप के अंदर मेडिकामेंट्स और ड्रग एक्टिव मेडिकामेंट उसके अंदर यूज़ किया जाता है और ड्रग और केमिकल उसके अंदर यूज़ करके वो मेडिकेटेड सिरप बनाते हैं. ओके देन नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल सिरप यूज्ड फॉर डायबिटिक पेशेंट. जो आर्टिफिशियल सिरप होते हैं वो डायबिटिक पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं और उस उनके लिए स्पेशली बनाते हैं. आर्टिफिशियल सिरप आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम पॉलीऑल्स सच एज सॉर्बिटॉल ग्लिसरीन प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल और सेल्युलोज पॉलीमर्स सच एज मिथिल सेल्युलोज हाइड्रोक्सी मिथिल सेल्युलोज एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर सच एज सोडियम सैक्रीन सोडियम क्लाइमेट. ओके तो यहाँ पर क्या बताया कि जो आर्टिफिशियल सिरप प्रिपेयर बनाते हैं पॉलीरोल से बनाते हैं सच एज सॉर्बिटॉल ग्लिसरीन प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल और सेल्युलोज पॉलीमर्स. जो डिफरेंट पॉलीमर्स मतलब मिथिल सेल्युलोज हाइड्रोक्सी मिथिल सेल्युलोज इन चीज़ों से इन पॉलीरोल से हम क्या करते हैं आर्टिफिशियल स्वीट सिरप बनाते हैं. और एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर सच एज सोडियम सैक्रीन और सोडियम क्लाइमेट. ओके सॉरी यहाँ पर सोडियम साइक्लामेट ऐसे बोलेंगे इसको. ओके सॉरी फॉर दैट पर्पस इट इज़ अ सोडियम साइक्लामेट. ओके आर्टिफिशियल स्वीटनर आर 500 टाइम्स स्वीटनर देन सुक्रोज एंड दे आर नॉन कैलोरिक एंड दे डू नॉट इलिवेट द ब्लड शुगर लेवल. ओके यहाँ पर क्या बताया कि जो आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं वो 500 टाइम्स मोर स्वीटर होते हैं देन सुक्रोज. वो जो सुक्रोज से 500 टाइम्स मोर स्वीटर होते हैं ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स. ओके सच एज सोडियम सैक्रीन और सोडियम साइक्लामेट. ओके ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर बोल के हम सिरप के अंदर डालते हैं वो ज़्यादा स्वीटर होते हैं देन सुक्रोज. और नॉन क्या वो उसके अंदर क्या होते हैं नॉन कैलोरिक होते हैं ये. और जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है हमारा ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल होता है वो इलिवेट नहीं करते वो बढ़ाते नहीं. ओके उसे क्या बोलेंगे आर्टिफिशियल सिरप ऐसे बोलेंगे. ओके क्लासिफिकेशन इजी है सिंपल है. फ्लेवर्ड सिरप है एक तो क्लासिफिकेशन के अंदर सिरप के अंदर फ्लेवर्ड सिरप है. दूसरा मेडिकेटेड सिरप है. थर्ड है आर्टिफिशियल सिरप. फ्लेवर्ड एज द नेम इंडिकेट इट कंटेंस फ्लेवरिंग एजेंट. मेडिकेटेड सिरप इट कंटेंस मेडिकामेंट डिजॉल्व इन इट. ओके आर्टिफिशियल सिरप यूज्ड फॉर डायबिटिक पेशेंट्स इट कंटेंस प्रिपेयर्ड फॉर्म पॉलीरोल सच एज सॉर्बिटॉल ग्लिसरीन प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल और सेल्युलोज पॉलीमर सच एज मिथिल सेल्युलोज हाइड्रोक्सी मिथिल सेल्युलोज और आर्टिफिशियल स्वीटनर सच एज विच इज इंक्लूडेड इन आर्टिफिशियल सिरप सच एज सोडियम साइक्रीन और सोडियम साइक्लामेट. ओके इट इज़ अ 500 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज. इट डज नॉट कंटेन नॉन कैलोरिक. इट डज नॉट इलिवेट द ब्लड ग्लूकोज लेवल. दिस इज द वी कैन सेट दैट द आर्टिफिशियल सिरप. आफ्टर दैट द फॉर्मुलेशन इन दैट द फॉर्मुलेशन देर आर जैसे कि हमने मिक्सर का फॉर्मुलेशन देखे थे उसके अंदर तीन टाइप थे. एक व्हीकल था दूसरा एजुवेंट था. जो देखे थे हमने मिक्सर के अंदर हमने देखे थे कि फॉर्मुलेशन के अंदर एक तो था ड्रग दूसरा था उसके अंदर व्हीकल और तीसरा था एजुवेंट. एजुवेंट मीन्स उसके अंदर जो स्टेबलाइजर है प्रिजर्वेटिव है केमिकल एजेंट ग्लाइडिंग एजेंट जो सब एजेंट है उसके अंदर हम ऐड करते हैं एजुवेंट के अंदर और वो प्रमोट करता वो मिक्सचर का फॉर्मुलेशन का जो क्वांटिटी है वो स्टेबिलिटी है वो प्रमोट करता इवोल्यूट करता उसको क्या बोलेंगे एजुवेंट ऐसे बोलेंगे. ओके इसके अंदर फॉर्मुलेशन आप सिरप के फॉर्मुलेशन के अंदर आप देखते हैं कि फर्स्ट है व्हीकल सेकंड है एजुवेंट्स. ओके इसके अंदर दो टाइप है एक तो व्हीकल हमने मोस्टली और ज़्यादातर हमने वाटर ही लेना है एज अ व्हीकल बोल के सिरप के अंदर एक्वस सोल्यूशन है ऑब्वियसली. फॉर दैट पर्पज वी हैव टू गिव ऑन ओनली वाटर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ और फॉर्मुलेशन ऑफ सिरप. ओके एज अ व्हीकल वी हैव टू गिव ऑन वाटर
फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ सिरप. ओके देन सेकेंड इज एडजुवेंट्स. इन दैट एडजुवेंट्स वी हैव टू एडजुवेंट इज यूज फॉर प्रोमोटिंग फॉर इवोल्यूटिंग द क्वांटिटी और स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सिरप. ओके फॉर दैट पर्पज वी हैव टू यूज एडजुवेंट्स. इन दैट वी हैव टू यूज केमिकल स्टेबिलाइजर, सोलिबलाइजिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट. ओके ऑल ऑफ दिस विच इज इंक्लूडेड इन एडजुवेंट्स. ओके एज अ फर्स्ट इज इन द फॉर्मुलेशन फर्स्ट इज व्हीकल यूज वाटर एज यूज एज व्हीकल. सेकेंड इज एडजुवेंट्स. इन दैट केमिकल स्टेबिलाइजर, केमिकल स्टेबिलाइजर इज यूज एज एग्जाम्पल इज ग्लिसरीन, पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल और सॉर्बिटॉल विच इज यूज एज अ केमिकल स्टेबिलाइजर विच इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ दैट प्रिपरेशन ऑफ सिरप. ओके दैट एग्जाम्पल इज ग्लिसरीन, पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल और सॉर्बिटॉल. देन नेक्स्ट इज सोलिबलाइजिंग एजेंट. मीन्स दिस सोलिबलाइजिंग एजेंट वी हैव टू एडेड इन द सिरप फॉर मिक्सिंग और सोलिबलाइजिंग द ड्रग कंपोनेंट इन दैट सोल इन दैट वाटर व्हीकल. ओके दैट इज द एग्जाम्पल. ट्वीन 80, ट्वीन 20 लाइक सर्फेक्टेंट्स आर एडेड और लाइक सर्फेक्टेंट ऑल्सो वी हैव टू एडेड इन दिस. ओके दिस इज ट्वीन 80 एंड ट्वीन 20 इज एक्ट एज अ सर्फेक्टेंट और सोलिबलाइजिंग एजेंट वी हैव टू एडेड इन द प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सिरप. ओके फॉर द सोलिबलाइजिंग एजेंट. कलरिंग एजेंट एट द एज द नेम इंडिकेट कलरिंग एजेंट मीन्स फॉर द पर्पज ऑफ कलर वी हैव टू यूज कलरिंग एजेंट. फर्स्ट इज एग्जाम्पल कोल टार डाइज सच एज अमरान्थ सोल्यूशन और कंपाउंड टार ट्रेजिन एंड ग्रीन यस एंड टार ग्रीन यस एंड टार्ट्राइजिन. ओके वी हैव टू यूज एज अ कलरिंग एजेंट. देन द नेक्स्ट इज फ्लेवरिंग एजेंट एज द नेम इंडिकेट यूज फॉर फ्लेवर पर्पज. द फॉलोइंग फ्लेवरिंग एजेंट आर एडेड टू सिरप, टिंक्चर्स, फ्रूट्स, जूसेस एंड इसेंस. ओके ये टाइप के जो इसेंस हैं वो एक्ट एज अ फ्लेवरिंग एजेंट बोल के हम देख सकते हैं. टिंक्चर के अंदर लेमन टिंक्चर, जिंजर टिंक्चर, फ्रूट्स जूसेस के अंदर रास्पबेरी जूस, वाइल्ड चेरी ओके एक्सेट्रा. देन इसेंस में वैनिला एसेंस, ऑरेंज. ओके टिंक्चर के अंदर हम लेमन का टिंक्चर यूज़ कर सकते हैं, जिंजर का टिंक्चर बना सकते हैं. फ्रूट्स के अंदर रास्पबेरी जूस हम बना सकते हैं, वाइल्ड चेरी का बना सकते हैं. इसेंस के अंदर वैनिला एसेंस, ऑरेंज एसेंस, रोज वाटर एक्सेट्रा. दिस इज यूज एज एडजुवेंट्स. ओके फॉर्मुलेशन. ओके इन दिस टुडेज लेक्चर वी हैव टू डिस्कस दिस इज फॉर्मुलेशन. ओके आफ्टर दैट जस्ट आई हैव टू रिवाइज इन 2 to 3 minutes. This is the definition of syrup. Syrup is sweet, viscous, concentrated or nearly saturated aqueous solution of sucrose containing 66.7% weight by weight of sugar. Okay, so USP contains 64.74 weight by volume of sugar having specific gravity 1.31. Okay, after that use of syrup as a vehicle, as a sweetening agent, as a preservative, as a flavoring agent. Okay, after that the next is advantages. In that act as a oxidant, act as a preservative, good for patient compliance, especially pediatric patient, as a syrup or as a sweet in taste. Okay, after that disadvantages, fluctuation in storage temperature may cause crystallization of sucrose from saturated syrup. After that the classification of syrup is divided into 3 types. First is flavored syrup, second is medicated syrup, and third is artificial syrup. Okay, first flavored syrup. Flavored syrup contain, as the name indicate, flavoring agent, orange syrup, lemon syrup. Okay, medicated syrup, it contains medicament dissolved in it. Artificial syrup used for pediatric patients, it contains polyols such as sorbitol, glycerin, propylene glycol or cellulose such as methyl cellulose, hydroxymethyl cellulose, or artificial sweetener such as sodium saccharin or sodium cyclamate. Okay, it is a sweeter, 500 times more sweeter than sucrose, and it does not contain non-caloric and does not elevate blood glucose level. Formulation, it contains drug, first is second vehicle and third is adjuvant. Drug, we have to give one drug. देन सेकंड इज ड्रग लेना है, अगर बनाना है तो ड्रग ले सकते हैं, अदरवाइज सिरप सिंपल भी हम बना सकते हैं. ओके देन सेकंड इज व्हीकल एंड थर्ड इज एडजुवेंट्स. ओके इन द टुडेज लेक्चर वी विल लर्न दिस टॉपिक फॉर्मुलेशन. वी हैव टू कंप्लीट इट. नेक्स्ट पार्ट वी हैव टू स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके ओके ऑल ऑफ दिस इंक्लूडेड. फर्स्ट डेफिनेशन देख लिए थे हमने, उसके बाद एडवांटेज, डिसएडवांटेज, क्लासिफिकेशन, फॉर्मुलेशन. ओके इतना आज के लेक्चर में काफ़ी है. द नेक्स्ट पार्ट वी हैव टू स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके थैंक यू.